हेलो फ्रेंड्स, कोटा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया बड़ी की सब्जी। तो ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैंने दो बड़ी साइज के प्याज बारीक कट करके लिए हैं, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच गरम मसाला है साबुत वाला, और 2 बड़ी साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें मोटा मोटा कट करके लिया है, और मोटा मोटा कट मैंने 2 से 3 हरी मिर्च कर ली है। और यहाँ मैंने 100 ग्राम करीब सोयाबीन की बड़ी ली है। नाप से देखें तो ये 1 बाउल ले लिया है मैंने। और सबसे पहले मैंने गैस पर गर्म पानी रखा हुआ है, तो यहाँ मैंने 2.5 गिलास गर्म पानी रखा हुआ है। जब तक पानी गर्म होता है मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में मैंने लहसुन डाल दिया है, टमाटर डाल देंगे, और थोड़ा से प्याज डाल लेंगे। बाकी के प्याज हम मसाले में डाल देंगे। तो यहाँ साबुत गरम मसाला डाला है और इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पानी जब गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे और सोया बड़ी को इसमें भिगोकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसे गला देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, यहाँ मसाले का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से पेस्ट तैयार करना है। और अब 10 से 15 मिनट बाद सोया बड़ी जब फूल जाएगी और ये ठंडी भी हो जाएगी तो हमें इसका सारा पानी निकाल देना है। इसको पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ सोया बड़ी ड्राई कर ली हमने। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे या पैन रख देंगे, उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, और जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें हमें सोया बड़ी डालनी है। इसको हमें फ्राई करना है। तो ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, सोया बड़ी का कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हमें इसे निकाल लेना है। अब मैं इसी सेम पैन में तेल डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है इसमें। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लंबी मैंने कट करके रखी हुई थी हरी मिर्च, वो भी इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे भुना है बहुत ही कम आंच पर, और इसका बहुत हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इसी स्टेज पर जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ में हमें इसमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और टेस्ट के अनुसार मिर्च पाउडर डाल देंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। मसाले को हमें धीमी आंच पर पकाना है ताकि मसाला अच्छे से पक कर तैयार हो। तो ये देखिए, यहाँ तेल इसमें से अलग होने लगा है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे, और दही को डालते वक्त भी हमें गैस की आंच को धीमी रखनी है और दही को हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऐसा करने से मसाला जो दही डाला है हमने वो फटता नहीं है। दही अच्छे से मिक्स हो चुका था तो इसी स्टेज पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाली है, छोटी चम्मच से। तो इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। देखिए, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला अच्छे से पक गया है। जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाए इसी स्टेज पर हमें सोया बड़ी को डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे सोया बड़ी को मसाले के अंदर, और अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। मुझे ये लटपटी टाइप बनानी है तो मैंने यहाँ 1/2 ग्लास पानी डाला है। अब इसे ढककर पका लेंगे।
5 से 7 मिनट मैंने इसे ढककर पकाया है। और ये देखिए सोया बड़े की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें धनिया हमने डालना ही डालना है। तो ये देखिए